अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं के टू सहर बच्चों की दुनिया और मैं उमेशी खान। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज के शो में भी हमेशा की तरह बहुत सारी जो है एक्साइटिंग सेगमेंट्स हैं बच्चों के लिए। तो आई होप जितने बच्चे देख रहे हैं उनको आज का शो हमेशा की तरह पसंद आएगा। और मैं अकेली नहीं होती, मेरे साथ होती हैं प्यारी सी बतूता। अस्सलाम वालेकुम बतूता। वालेकुम सलाम मिशी, आप ही क्या हाल है आपके? ठीक ठाक खैरियत से। कितनी प्यारी लग रही है, जो मैं कैप लाई थी आप पे कितनी सूट कर रही है। मैं सबको बताना चाहती हूँ मिशी, आप ही ने मेरे लिए इतनी प्यारी कैप ली है और ये जो हाईनेक लिया आपने येलो कलर की, मुझे बहुत पसंद आई है। पसंद आई आपको? वेरी नाइस, बहुत अच्छी लगी है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो ये बताएं कि कैसा रहा आपका हफ्ता? मेरा हफ्ता तो बिल्कुल वैसे ही रहा। मैं चुप करके सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, रात को मैं जल्दी सो जाती हूँ। मैं आपकी जो नसीहत है ना, उन पे अब अमल करती हूँ। है ना, बच्चों को वैसे रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि सुबह जल्दी उठें और फिर दिन अच्छा गुजरता है। हाँ, तो मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा, मेरा पूरा हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा। वेरी नाइस। तो ये कैप और ये जो येलो और पिंक का कॉम्बिनेशन है बहुत प्यारा लग रहा है ना। वेरी नाइस। मैंने ट्विटी और पिंक पैंथर को मिक्स कर लिया हमने। मिक्स कर लिया, अच्छा लग रहा है। और जितने बच्चे देख रहे हैं उनको भी कैप जरूर पहननी चाहिए सर्दियों में, और जैकेट पहननी चाहिए, और सॉक्स भी। आपने सॉक्स पहने हुए? मैंने सॉक्स पहनी है, लेकिन आपके सॉक्स में देख नहीं सकती। हाँ, वो तो नीचे है ना, यहाँ काउंटर के पीछे छुपे हुए। बिल्कुल। तो ये बताएं कि स्कूल में क्या क्या हो रहा है? हाय, स्कूल में आपको पता क्या हुआ, मेरे तो इतनी सारी दोस्तें जो है ना, उनको हमारा प्रोग्राम इतना पसंद है, वो शौक शौक से देखती है, अपने घर वालों के साथ देखती है, अपनी बहन भाइयों के साथ देखती है, अपने मामा पापा के साथ देखती है, और अपने ना दोस्तों के साथ भी देखती है। हैं, वाओ। तो ये कि आपकी दोस्त, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड में उसका नाम भी बड़ा मजे का, जैसे मेरा नाम बड़ा मजे का ना, उसका नाम भी बहुत मजे का। क्या नाम है उसका? नाम है बातूनी। बातूनी? हाँ। अच्छा, एक होगी बातूनी, दूसरी का क्या नाम है? वो है सॉरी, हम उसको वैसे उसका नाम वैसे बिगाड़ना नहीं चाहिए किसी का नाम। हाँ। लेकिन ना उसका नाम है ना, उसको प्यार से बबली कहते हैं। बबली और बातूनी? हाँ, बबली और बातूनी। वेरी नाइस। तो ये कि बातूनी जो ज्यादा बातें करती है? बहुत बातें करती है। मैं तो बिल्कुल चुप करके बैठी रहती हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलती, मैं तो चुप करके बैठी रहती हूँ। वो बहुत बोलती है, तो इतना ज्यादा बोलती है। मैं तो चुप करके बैठी रहती हूँ मिश्रा भी, है ना। आप तो बोलती नहीं है बतूता। हाँ, बिल्कुल, मैंने चुप करके बैठी। क्यों इतना कम क्यों बोलती हैं आप? हाँ, तो मैंने सोचा ही नहीं मैं इतना कम क्यों बोलती हूँ, है ना। अच्छा, तो फिर आज बच्चों के लिए, जितने इस वक्त बच्चे व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनके लिए आज जो है बहुत जबरदस्त, पहले सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं। और पहला सेगमेंट कौन सा है? पहला सेगमेंट है फूल हजारे दे। बिल्कुल, जवाब दुरुस्त है। तो सबसे पहले चल के देखते हैं फूल हजारे दे और उसके बाद वापस आते हैं। वेरी नाइस, क्लैप। कैसा लगा आपको फूल हजारे दे? पता है आपको मिशी, आप ही इस दफा वो लोग हाइकिंग पे गए थे, इतना उन्होंने एंजॉय किया, इतना उनको मजा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, आपका प्लान कभी बनेगा हाइकिंग पे जाने पे? मेरा तो प्लान बना ही नहीं, मैं तो सोच रही हूँ मैं आपके साथ वीकेंड पे जाऊंगी। और आपकी कैब गिर रही है? हाँ, गिर गई। ओहो, सॉरी सॉरी, मैं उतारना नहीं मिशी। नहीं नहीं नहीं, उतारे नहीं, प्यारी लग रही है। मुझे गर्मी लग रही है ना, कोई खुद ही गिर रही है। सॉरी, ओह खुद ही गिर गई। हाँ। अच्छा, हाँ अब लग रहा है बतूता, लेकिन येलो टी जो टी क्या है? हाई नेक। लुकिंग नाइस। तो अब ये कि अगले हफ्ते आपके लिए कुछ और लेके आऊँ कि इस हफ्ते यही पहनेंगी आप? नहीं, मैं तो सोचती हूँ मैं ये इस हफ्ते ये पहनूंगी और नेक्स्ट वीक जो आपने फ्रॉक दिया ना वो पहनूंगी। अच्छा, कौन से कलर की थी वो? वही जो आपने कोर फ्रॉक नहीं दी थी, पिंक कलर वाली। हाँ, वो वाली जरूर। हाँ। पहनना। तो फिर पिंक कलर के पोनीज होंगे? हाँ, मैं पोनी भी चेंज करूंगी जरूर, बल्कि मैं आपके लिए हेड बैंड लेके आऊंगी। हाँ? हेड बैंड नहीं होता, सर वाला बैंड। हेड बैंड, ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि इस हफ्ते आपने पढ़ने में, बल्कि हम सोच रहे थे कि पढ़ने में जितने बच्चे जो तेज हैं उनसे बात करनी चाहिए, उनको बहुत अच्छा लगता है कि उनको अच्छी ज़बरदस्ती इन्फॉर्मेशन भी दी जाए पढ़ने के हवाले से। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल कौन सा है? हाँ, कैपिटल पाकिस्तान का? पाकिस्तान का पी नहीं, कैपिटल कैपिटल। हाँ, पी कैपिटल होता है ना, बड़ा वाला पी लिखते हैं उसके बाद। नहीं 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 नहीं, कैपिटल होता है कि एक मुल्क होता है और उसका फिर एक दारुल हुकूमत होता है, यानी कैपिटल होता है।
अच्छा तो, वो हाँ, पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है? वो तो फौरन आना चाहिए। हाँ, इस्लामाबाद। यस, वेरी गुड, इस्लामाबाद है। जितने बच्चे देख रहे हैं, पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। ठीक है, अच्छा अब दूसरा कैपिटल आपसे पूछती हूँ, तीन पूछूंगी आज आपसे। दो कैपिटल है हमारे? नहीं, अच्छा हमारी मुल्क का नहीं, एक और मुल्क है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए का कैपिटल कौन सा है? तो बड़ी मुश्किल सवाल, बहुत आसान है। चले मैं आपको बता देती हूँ, डब्ल्यू से शुरू होता है। डब्ल्यू डब्ल्यू से? हाँ डब्ल्यू से। अल्लाह मैं क्या करूँ, आएगा आएगा आपको, आएगा। सोच रही हूँ मैं, दिमाग लड़ाती हूँ एक मिनट। हाँ, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। और बस तीसरा वाला पूछूंगी। हाँ, कौन है तीसरा वाला? अच्छा पूछू? ओके नहीं पूछू? पूछ ले, पूछ लो या ना पूछे। अच्छा, यूके का कैपिटल कौन सा है, इंग्लैंड का? ओए ओए, ये तो और भी ज्यादा मुश्किल है। ये बहुत आसान है, वहाँ पे लोग बहुत जाते हैं वेकेशन करने के लिए। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम कहते हैं उसको, और उसको कहते हैं यूके भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं, यूके बोलते हैं, इंग्लैंड बोलते हैं। हाँ, तो इंग्लैंड कैपिटल नहीं है? नहीं, इंग्लैंड का कैपिटल एक शहर है, इंग्लैंड एक मुल्क है। आता है आपको? जल्दी से बताएं फिर हम दिखाएं उनको। नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा ना। आ रहा है आपको? नहीं ना, नहीं आ रहा। कोई बात बता दी, कोई बात नहीं। ओके, इंग्लैंड का बच्चों कैपिटल जो है यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम को इंग्लैंड भी कहते हैं, उसका कैपिटल यानी दारुल हुकूमत है लंदन। ओह माय गॉड, लंदन, जिसको लंदन भी बोलते हैं, लंदन जा रहे हैं हम। तो आज तीन आपको कैपिटल्स के नाम पता लगे तीन मुल्कों के, यानी पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद, और यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कैपिटल का नाम है वाशिंगटन डीसी, और इंग्लैंड के कैपिटल का नाम है लंदन। लंदन। तो आज तीन जो है बच्चे आपको ये याद रखे कि आपको कभी जनरल नॉलेज का कोई क्वेश्चन होगा, कोई आपका उसका पेपर होगा, तो उसमें ये सवाल आएंगे तो ये सही जवाब होगा। ब्रावो, ठीक है, ब्रावो। अब हमने क्या चल के देखना है, अब हमारी बारी है स्टोरी की। स्टोरी कहानियाँ सुनने का मुझे भी बहुत शौक है, बतूता को भी है, और यकीनन जितने बच्चे हैं उनको भी है। तो आज हम कौन सी कहानी, बल्कि आपको बताऊँ आज कौन सी कहानी आपको सुना रहे उर्दू में? आज तो सरप्राइज है, मुझे भी नहीं पता। सरप्राइज नहीं है, जंगल बुक बहुत ही फेमस स्टोरी की बुक जो है उसको उर्दू में, जंगल बुक की उर्दू में आप चल के स्टोरी यानी उसकी कहानी सुने, और फिर हम वापस आते हैं। ये वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। तो आपने देखा आज की जो स्टोरी थी जंगल बुक, कैसी लगी आपको बतूता? मुझे बहुत अच्छी लगी, पता है, देखे ना कितना अच्छा है वो मोगली, उसके सारे दोस्त फ्रेंड्स बन जाते हैं, और वो जो लाइन था शेर था, नहीं नहीं लाइन शेर नहीं था, वो तो टाइगर था। वो टाइगर ना देखे ना वो कितनी, वो उसने गलत बातें की ना, कि वो सबको उकसा रहा था दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ। हाँ, सब अब देखे उसको सजा मिल गई, सजा भी मिली, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो इंग्लिश की जंगल बुक है ये आपने उर्दू में इसकी कहानी सुनी, ये सबसे अच्छी बात है कि अपनी हमने कौमी जुबान में सुनी है ना। यस, कौमी जुबान, सॉरी, हाँ जी कौमी जुबान उर्दू में सुनी, उर्दू में। और ये मोगली और ये जितने कैरेक्टर्स हैं, अब जितने बच्चों ने नहीं ये कहानी सुनी होगी या नहीं पढ़ी होगी, उनको आज इससे हमने रूशनास करा दिया है ना। कितना अच्छा वर्ड है ना, रूशनास, यानी इंट्रोड्यूस करा दिया। रूशनास, 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 यस, मतलब इंट्रोड्यूस करना, कि आप किसी चीज से इंग्लिश में, इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करते हैं, उर्दू में रूशनास करवाते हैं, ठीक है ना। अच्छी उर्दू हो जाएगी आपकी, है ना। जैसे जैसे अनानास होता है वैसे रूशनास होता है? नहीं, अनानास फ्रूट होता है। अच्छा, अनानास को इंग्लिश में क्या कहते हैं बतूता? अनानास को पाइनएप्पल, पाइनएप्पल। बच्चों पाइनएप्पल को उर्दू में अनानास कहते हैं, और बहुत ही टेस्टी होता है, और ज़रा मुश्किल होता है, उसकी कटिंग मुश्किल होती है, लेकिन बहुत मज़े का होता है ना। हाँ, उसकी कटिंग बहुत मुश्किल होती है। आपको आती है उसकी कटिंग? नहीं, मैं तो नाई से करा लेती हूँ। नहीं नाई से नहीं, आप नाई के, नाई तो मर्द हज़रात के करते हैं।
आप ब्यूटिशियन के पास जाती हैं? जी 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 वो ना, लेकिन जो आंटी होती है उनको भी तो हेयर ड्रेसर या नाई कहते हैं ना? ना हेयर ड्रेसर हो गया, हेयर स्टाइलिस्ट हो गया, है ना, इतने प्यारे आपके बाल हैं। सो अच्छा, अब आज की नसीहत में बतूता, मेरे ख्याल में बच्चों को हमें बताना चाहिए कि झूठ बोलना कितनी बुरी बात है। बहुत बुरी बात है, मैं तो बिल्कुल नहीं झूठ बोलती। अच्छा, यूजली ये होता है कि हंसी मजाक में लोग कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं झूठ बोल दिया। झूठ जो है वो झूठ होता है और उसके कोई पाँव नहीं होते, और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ये ठीक बात है ना? बिल्कुल, पता है एक दफ़ा आप झूठ बोले किसी से, फिर आपने तो सबको आपको डिफरेंट डिफरेंट झूठ बोलने पड़ते हैं, कहानियाँ सुनानी पड़ती हैं। और फिर क्या होता है, उस एक झूठ को छुपाने के लिए आप 100 झूठ बोलते हैं, और फिर एक दिन थोड़े अरसे के बाद उसी इंसान के सामने जब आप होते हैं तो फिर आप वो भूल जाते हैं झूठ, और फिर आपके मुँह से निकल जाता है, और फिर आप जो है शर्मिंदा हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल निशी, आप ही ऐसे ही होता है। मेरी फ्रेंड थी ना, उसने मुझे ना ऐसे झूठ बोला, मुझे उससे कहा मैं ना होमवर्क करके आई हूँ, घर का काम करके आई हूँ, लेकिन ना सर मैं वो नहीं करके आई थी। ओ देखो ना, फिर बाद में पता लगा तो कितना दुख हुआ होगा आपको। पूरी क्लास के सामने उसको मैडम ने डांटा, सबके सामने डांटा। उफ, तो इसलिए बच्चों प्लीज आप लोग झूठ से परहेज किया करें। वो कहते हैं ना, एक सच इंसान को ताकतवर बनाता है, और जो झूठ होता है वो इंसान को डरपोक बना देता है ना? तो इसलिए आज की नसीहत में चल के सुनते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन झूठ के हवाले से, और ये कि झूठ ना बोलें। सबसे ज़्यादा नाराज़ अल्लाह ताला इंसानों से उस वक़्त होते हैं जब वो झूठ बोलते हैं। सो आज की नसीहत में झूठ के हवाले से चल के आज की नसीहत देखते हैं, और उसके बाद वापस आते हैं। जी, जितने बच्चे देख रहे हैं, आप देख रहे हैं K2 सहार बच्चों की दुनिया, आप सबको खुश आमदीद। आज की नसीहत जो कि झूठ के हवाले से थी, कैसी लगी आपको बतूता? बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी बात लगी है कि जब देखे झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, और बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, और बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, और इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो ये मुझे बताएं, आज हम पोएम बच्चों को कौन सी सुनाएंगे? पोएम आप बताइए, मुझे आप ही कौन सी सुनाएं? मैं सोची थी हर दफा आप और मैं एक पोएम जो है वो सुनाया करेंगे, फेमस पोएम जो है, इतना मजा आएगा, और फिर वही, हाँ मजा भी आएगा, फिर इसके बाद वही पोएम जो है बच्चों को दिखाएंगे भी। ओ वाओ, कितना अच्छा लगेगा, है ना? ओके, इससे वो दो दफा उनको याद हो जाएगी, याद भी हो जाएगी। जितने बच्चे देख रहे हैं, हम लोग इस वक्त गाने वाले हैं कौन सी, बाबा ब्लैक शीप। बाबा ब्लैक शीप है वियानी वो, नहीं गा के 1 2 3 4 Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, yes sir, 3 bags full. One for my master and one for the dame. One for the little boy who lives down the lane. Yay! Very nice. भई आपको तो याद है मेरी तरह? हाँ, मुझे आपने याद कराई थी ना पिछले प्रोग्राम में। हाँ, हमने कहा था कि हर दफा जो है बच्चों के लिए एक जबरदस्त सी पोएम होगी। तो चल के अब एक्चुअल जाके आपको सेगमेंट दिखाते हैं पोएम का, जिसमें आप सुने बाबा ब्लैक शीप। लेट्स गो। ए बाबा ब्लैक शीप, उम्मीद है जितने बच्चे देख रहे हैं उनको पसंद आई, और हमने तो जाने से पहले गाई भी थी। वी सैंग। अच्छा, अब मैं आपसे, मैं थोड़ा से एक दो इंग्लिश में जो है आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है? इंग्लिश में। ओके। तो देखिए, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, और आपकी जो भी मादरी ज़बान है घर में, चाहे वो पोटोहारी है, हिंदको है, पश्तो है, सिंधी है, बलोची है, ब्रावी है, पंजाबी है, सराइकी है माफ़ कीजिएगा, या फिर बलती है, शिना है, क्या कहते हैं जो गिलगित, जो चित्राल में बोली जाती हैं, तो ये सारी ज़बानें आपको आनी चाहिए। लेकिन साथ साथ क्योंकि दुनिया की जो ज़बान है वो इंग्लिश है, तो थोड़ी बहुत आपको समझ भी आनी चाहिए और आपको बोलनी भी चाहिए, ठीक है ना? ताकि आपसे कोई सवाल करे तो आप एकदम से परेशान ना हो जाए। तो मैं आपसे सिंपल सिंपल सवाल करूँगी बतूता, आपने बताना, व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम यस, माय नेम इज़ बतूता। ग्रेट, वंडरफुल बतूता। व्हिच क्लास डू यू स्टडी इन? I study in 3 class. अच्छा, 3 class नहीं, आप कहेंगी I study in class 3. Oh, अच्छा, I study in class 3. Okay. जब कोई आपके लिए कोई काम करता है, या कुछ करता है, कोई आपको चीज़ पकड़ाता है,
या आपके लिए कुछ चीज काम करता है तो आप उसको क्या कहते हैं? थैंक यू। ओके, और उर्दू में क्या कहेंगे? शुक्रिया। ओके, और जब आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं या आप किसी से कोई चीज लेते हैं या आप कुछ चीज उठाते हैं तो आप क्या कहते हैं? विल यू प्लीज। प्लीज बच्चों, प्लीज जरूर कहा करें और थैंक यू। उर्दू में कहते हैं मेहरबानी कीजिएगा। मेहरबानी फरमाकर ये चाय मुझे दे दें। ठीक है ना? ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कौन सी है? चाय। नहीं, चाय तो चाय है। एक हो गया थैंक यू, एक हो गया प्लीज, एक हो गया सॉरी। हाँ, सॉरी, माफ कीजिएगा। जब आपसे कोई माफी चाहती हूँ या आपसे कोई किसी को टक्कर लग गई या आपसे कुछ कोई चीज गिर गई किसी की, तो आप सॉरी, या किसी का दिल दुखा दिया आपने, तो सॉरी कहने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सॉरी कहता है वो अपने आप को बड़ा कर लेता है। राइट? हाँ, बिल्कुल। और सॉरी का मतलब है माफी चाहती हूँ। कोई आपसे गलती हो, अम्मी अब्बू से, दोस्तों से, तो अगर आप सॉरी कह देंगे तो बिल्कुल आप इसमें कोई गलती नहीं करेंगे। तो आइंदा आपसे कोई गलती हो तो आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, मैं कहूंगी मैं माफी चाहती हूँ, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, जिसमें दोस्ती भी आपकी वापस हो जाएगी और आपको, आप बड़े हो जाएंगे। अच्छा मिशी, आप एक बात पूछूं? बताएं। आपने कहा किसी को टक्कर लग गई फिर भी करनी है सॉरी करना है। तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, मेरा दिल करता है मैं टक्करें मारूं तो बाद में सॉरी कर लूं तो ठीक है? नहीं, आपने टक्कर नहीं मारनी। अच्छा, टक्कर अगर गलती से लग जाए तो आप कहते सो सॉरी या माफ कीजिएगा। अच्छा, ठीक है ना? अब मुझे समझ आया। कोई आपको कोई चीज देता है तो हमेशा थैंक यू यानी शुक्रिया बहुत बहुत। ओके, ठीक है ना? वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। अब चल के देखते हैं बच्चों का फेवरेट, आपका मेरा बतूता फेवरेट क्या दिखाने जा रहे हैं अब हम? फेवरेट कार्टून। कार्टून, और आज का कार्टून लवली, मजा आ जाएगा। आज का कार्टून है ट्वीटी एंड द सिल्वेस्टर कैट। ओह माय गॉड, ट्वीटी, मैंने येलो आईने पहनी है ट्वीटी की कलर की। ट्वीटी की कलर की पहनी है, ट्वीटी एंड द सिल्वेस्टर कैट। चल के देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। ट्वीटी एंड द सिल्वेस्टर कैट कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे। ट्वीटी कितनी बेचारी मासूम सी है और वो, उसको कैट सिल्वेस्टर कितना तंग करती है। बहुत बहुत, बिल्कुल आपकी तरह ट्वीटी लगती है। मेरी तरह? आपकी थोड़ी थोड़ी दोस्त भी है ना। हाँ, अच्छा अच्छा, मैंने उसकी तरह की हाई ये स्वेटर पहना, स्वेटर पहना, इसलिए आप थोड़ी थोड़ी रिजेंबल कर रही हैं, यानी आपकी थोड़ी थोड़ी मिल रही है। हाँ जी, पर्सनैलिटी। तो आज का जो है, आपको उम्मीद है आपको पसंद आया बतूता, जितने बच्चे देख रहे हैं उनको पसंद आया। अब हमने क्या दिखाना है, उससे दिखाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप, हम लोग एक और पोएम पढ़ते हैं। कौन सी पढ़ें? आप सोचें। इंग्लिश के, उर्दू, जो भी हो। हाँ, फिर हम ऐसा करते हैं कोई उर्दू की पोएम भी पढ़ते हैं। उर्दू की पढ़ लेते हैं, उर्दू की पढ़ लेते हैं, बोले आलू पे चालू। चलें, आप सुनाएं। ओके, हम एक दो तीन नो, आलू के चालू मियां कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, काजल ने प्यार किया हंस रहे थे। ये वेरी नाइस भाई, बच्चों को आई होप जो उर्दू की ये पोएम है ये भी पसंद आई। सो हम उर्दू इंग्लिश दोनों की पोएम्स आप लोगों के लिए लाते रहेंगे दोनों, ताकि आप लोगों की दोनों जुबानों पे अबूर हो। उर्दू हमारी कौमी जबान है फॉर श्योर, लेकिन इंग्लिश जो है वो दुनिया में बोली जाती है, तो उसमें भी आपको आसानी होगी। ठीक है ना? तो अब हमने जाके फौरन से पेज तर क्या देखना है? जादू। जादू देखेंगे चल के, और वो कौन दिखाएंगे जादू, आप बताएं? अंकल नन्ना जादूगर। बिल्कुल। सो अगला नेक्स्ट सेगमेंट इज नन्ना जादूगर के जो जबरदस्त से मैजिक ट्रिक्स है वो चल के देखेंगे, बल्कि फौरन जाते हैं देखने के लिए। ओके, 1 2 3। नन्ना जादूगर के हमने खूब जबरदस्त से मैजिक ट्रिक्स आपने देखे और बड़े फेवरेट हैं, और आप, मुझे लगता है आपको बहुत पसंद है नन्ना जादूगर। आपको पता ही चला उन्होंने नई वाली मैजिक ट्रिक्स की है। कैसे? ये जो अभी दिखा रहे थे वो जो बच्चों के साथ भी वो जो चीजें गायब करके दिखा रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, बहुत अच्छा था। आई होप बच्चों को जो नन्ना जादूगर की मैजिक ट्रिक्स हैं वो पसंद आई, मुझे और बतूता को तो बहुत पसंद आई। तो बतूता ये बताएं कि पिछले हफ्ते आपने कहा था कि मैं घर जाके कुछ बनाऊंगी,
प्लास्टर ऑफ पेरिस, नहीं प्लास्टर सीन, वो नहीं होते छोटे छोटे जो होते हैं जिससे आप चीजें बिल्ड करते हैं, वो जो क्ले होती है, क्ले, क्ले जो आपकी मॉडलिंग क्ले होती है, क्या बनाया आपने? मैंने ना मिशियापी, मैंने ना उसके से वो छोटी छोटी बर्तन बनाए। बर्तन बनाए? हाँ। किस तरह के? वो जैसे छोटी सी देश की छोटी सी प्लेट, छोटा सा चम्मच, तो मैंने वो बना के ना अपनी छोटी बहन को गिफ्ट कर दी, लेकिन अम्मी ने कहा उसको नहीं देनी, वो बहुत छोटी है ना। अच्छा, तो आपने चूल्हा भी बनाया, कुकिंग रेंज? हाँ, छोटा सा, छोटा सा चूल्हा भी बनाया, लेकिन वो फिर मैंने ना वो फिर संभाल के रख दी। मैंने कहा मेरी बहन जब बड़ी हो जाएगी ना फिर मैं उसको तोहफे में दूंगी। ओह दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, आपने, मैं ये सोची थी जितने बच्चे देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं, मुझे याद है जब बचपन में हम लोग जो है ना, मैं, मेरी एक फ्रेंड होती थी, हम उसके साथ ना वो खेलते थे घर घर, तो उसमें छोटा सा एक वो नहीं होता, मम्मी जो है वो मुझे, उन्होंने गिफ्ट किए थे ये जो कुकिंग सेट्स नहीं होते बतूता, जिसमें एक छोटा सा कुकिंग रेंज था, उसमें प्लेट्स थी और प्लास्टिक के फ्राई एग्स थे, तो मैं अपनी दोस्त को ना ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती थी, तो हम लोग फिर वहाँ पर खेलते थे। तो आप कुछ ऐसा खेलती हैं? वो ना जैसे खिलौनों की दुकान से मिलती है छोटी छोटी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो मेरी अम्मी ने मुझे लेके दिए थे, लेकिन ना वो फिर क्या हुआ ना, मिशियापी मेरी दोस्त आई उसको पसंद आ गए, तो अम्मी ने कहा कोई बात नहीं तुम उसको दे दो, मैं तुम्हें और ले दूंगी। तो आपने बेसिकली वो गिफ्ट कर दिया? मैंने इसको गिफ्ट कर दिया। ओह दैट्स सो स्वीट। गिफ्ट देना भी बड़ा अच्छा होता है आपस में, जरूरी नहीं कि वो महंगे गिफ्ट हों, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हों, आप छोटे छोटे अपना कोई कार्ड बना के अपनी दोस्त को दे सकते हैं पेंट करके, फिर आप इसी तरह कोई ब्लॉक से चीज़ बना के दे सकते हैं, फिर आप कोई क्लिप्स दे सकते हैं खुद ही से बना के। तो खुद ही से बनाने में जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है बतूता, वो है DIY, जो कि कहलाता है डू इट योरसेल्फ। इसमें आप मदद आप, और इसमें बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, उनका जो फ्री टाइम है वो आप यूज़ कर सकते हैं उनको काफ़ी सारी चीज़ें देके, ताकि वो कुछ करें, चाहे वो पेंटिंग है, क्रेयॉन्स हैं, पेंसिल कलर्स हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ें कार्डबोर्ड से कुछ बनाने के लिए ब्लॉक्स दें। तो आज हम क्या बना रहे हैं? आज मैं एक पेंसिल बॉक्स बना रहे, लेकिन आप उसके अंदर कलर भी रख सकते हैं, उसके अंदर स्टेशनरी की दूसरी चीज़ें भी रख सकते हैं, और उसके अंदर ना अपनी पैसे भी रख सकते हैं। लेकिन फिर उस पेंसिल बॉक्स को ना कहीं छुपा के रखना है, क्योंकि कोई ले ना जाए पैसे। हाँ, है ना। तो उसको फिर जुराबों में डाल लें। तो बच्चों चल के देखते हैं आपके लिए DIY डू इट योरसेल्फ में क्रिएटिव पेंसिल बॉक्स बनाने का तरीका, चल के देखते हैं उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आपने देखा DIY में पेंसिल बॉक्स बनाना कितना प्यारा बनाना बतूता, खूबसूरत शॉकिंग पिंक कलर का बनाया, बहुत प्यारा लग रहा है। और इसके अंदर आप अपने रूलर रख सकते हैं, पेंसिल्स, पेन्स, इवन आप अपने क्रेयॉन्स जो लंबे वाले होते हैं, और पेंसिल कलर्स रख सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आइडिया था। तो आपने नेक्स्ट ये बनाना है बतूता? मैं बना के फिर मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगी। आएंगी आप? पक्का वाला वादा। हाँ। गलत वाला वादा तो नहीं? हाँ, इससे मुझे याद आया, वादा से। जब बच्चों और बतूता आप किसी से वादा करते हैं ना कि हाँ प्रॉमिस मैं कर दूंगी, तो प्रॉमिस ऐसे ही नहीं, वो फिर अल्लाह ताला उस प्रॉमिस को प्रॉमिस समझते हैं, यानी कि वादा करना। तो जब आप वादा करते हैं तो उस वादे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, या वादा करें ही ना, या अगर करें किसी चीज़ के लिए कि अच्छा वादा है मैं आपके लिए कल जो है ये बना के लाऊंगी, या मैं सैंडविच बना के लाऊंगी, या वादा है कि मैं ये काम कर दूंगी, तो वो वादे को पूरा करना ज़रूरी है। है पक्की बात है, मैं ना आपके लिए ऐसा करूँगी, अच्छे से कोई गिफ्ट लेकर आऊँगी। बस गिफ्ट लेके? अच्छा वादा, आपने कभी ये नहीं कहना मैं वादा करती हूँ, आप कहें मैं आपके लिए अच्छा सा गिफ्ट लेके आऊँगी। तो अगर फर्स्ट करूँगी, हाँ, अगर नहीं ला सकी आप, तो फिर वो वादा जो है वो खराब नहीं होगा, समझे? यू नो, सोचा ही नहीं ये सोच, क्योंकि हम लोग अपने रोजमर्रा की, बच्चे भी सुन रहे होंगे बातों में, हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज बोल देते हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते, तो फिर इस पे बहुत गुनाह मिलता है, अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होते हैं इस पे, वादा खिलाफी करना यानी कि वादा करके तोड़ना नहीं चाहिए ना। नहीं, वादा करके तोड़, एक तो वादा खिलाफी का मतलब है वादा करके तोड़ना, और दूसरा वादा खिलाफी का मतलब है वादा करके फिर उसको पूरा ना करना। हाँ, बिल्कुल आप ठीक है। तो वादा करें तो पूरा करें, वरना वादा ना करें, आप सिंपली कह दें कि हाँ मैं ये कर लूंगी या कर लूंगा, ठीक है ना? ओके, करेक्शन। अच्छा, लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश। ओके, व्हाट आर यू डूइंग?
आई एम डूइंग दिस वंडरफुल शो विद यू. ओके, नहीं नहीं वो आप उस वक्त कहेंगी जब मैं कहूंगी व्हाट आर यू डूइंग नाउ. अच्छा, अभी क्या कर रही हैं आप, उसमें आप कहेंगी. सो इसका मतलब है व्हाट आर यू डूइंग, आप कहें आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. हां, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. ओके, सो वेयर इज योर मदर? माय मदर शी इज एट होम. शी इज एट होम, बट डज शी लव यू अ लॉट? Yes, she is thoda love me, but now she is other than love to my sister. Your sister? That's yes. Wonderful. So, Batuta. Yeah? What you doing? I'm doing anything. I'm doing anything, nahi. I'm doing nothing. Achha, ye wali jo angrezi thi na, Batuta. What you doing? Ye thodi slang mein aa jati hai. ये रियल इंग्लिश नहीं है जो कि आप रियल बोलते हैं स्कूल में और क्या किसी उस लेवल पे बोलते हैं. ये होता है कि जब आपने जिस तरह हम अपने वर्ड्स ही निकालते हैं उर्दू में घर में, बहुत सारे अपने वर्ड्स निकाल लेते हैं ना, छोटे 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 निकाल लेते हैं. आपके घर में क्या छोटे छोटे ऐसे जुमले बोलते हैं? वो तो पंजाबी में बोल रहे होते हैं. बोले बोले का पंजाबी भी हमारी बड़ी अच्छी जुबान है. बोले क्या होती है? पुत्री तू की कर रही है पुत्री. अभी देखिए ना हर एक की टर्मिनोलॉजी अलग होती है. पुत्री, अच्छा और कौन सा डिफरेंट वर्ड है जो आपके? पुत्री होती है छोटी बेटी को कहते हैं ना पुत्री. पुत्री हाँ. और क्या होता है हम न्यम 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 न्यम. और ये कहते हैं तू मेरी गाल नहीं मनेगी ना तो फिर मैं तेनु कान फड़ा देने ने. कान फड़ा देने. अब देखिए बच्चों हर लैंग्वेज का अपना एक मजा है. अब छोटी बच्ची को पुत्री बोलते हैं है? हाँ. तो आपको पुत्री बोलते हैं घर में? मेरे पापा नहीं, मेरे अब्बू जो है ना मुझे पुत्री कहते हैं. हाँ, वेरी नाइस, जबरदस्त. तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें भी आपको कोशिश होगी शो में आपसे बातचीत की जाए इस हवाले से. अच्छा बतूता, अब हमने नेक्स्ट शो जो है जो जंगल किंगडम है, जंगल वर्ल्ड है, उसमें बच्चों को ले जाएंगे जानवरों के पास. लेकिन उससे पहले जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगी बच्चों को? ये है सामने. मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की शो में भी बहुत सही ऐसी अच्छी अच्छी बातें थी, इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और जरूर सीखा करें और दूसरों को भी सिखाया करें और हमारा शो जरूर देखा करें. शो जरूर देखा चेक करें. अच्छा आप ये मुझे बताएं कि मैंने कहा कि अब हमने खुदाफिस कहना है. हाँ. तो आपके साथ आ जाऊँ मैं. ओके. तो और सुनाएं कैसा हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आप भी सीम मैं ठीक ठाक. इतने करीब से आपको मैं देख रही हूँ. कितने की आपकी टोपी? अभी नीचे गिर गई. कह रहे हैं एक सेकंड, एक मिनट, ये टोपी पहना देती हूँ आपको. हाँ. नहीं ये मुझे नहीं आएगी, ये आप ही को आएगी. ओके. क्योंकि बाहर सर्दी बहुत है. हाँ. अभी आपके अब्बू आपकी आंखें फूस हो गई. आप आ रहे हैं? अब आ रहे हैं? अब आ रहे हैं. वेरी नाइस. चीको चीको मारूंगी जी. चीकी चीकी चीकी. ओके. अच्छा आज हाथ दें अपना. इतना मोटा हाथ है आपका. हाँ. मुंह आपका इतना पतला है. हाँ. कितना. अब देखिए ना आप थोड़ा सा खाया पिया करें तो वो फिर ये तो हाथ और बड़ा हो जाएगा. हाँ ये भी सही बात है. अच्छा ओके ओके खुदा हाफिज. बाय बाय. आई लव यू. आई लव यू टू. आई लव यू टू. तो बच्चों आई होप आज का शो आपको पसंद आया. अब आपने चल के देखना है क्या? ज़ीक एनिमल वर्ल्ड. ज़ीक एनिमल वर्ल्ड देखना है और उसके बाद इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे मैं और बतूता अगले हफ्ते और ज्यादा मजेदार बातों के साथ. बिल्कुल. ओके सॉरी. बहुत प्यारी लग रही हैं आप. बहुत प्यारी लग रही हैं. एक्चुअली ये जो कैप है ना बच्चों, आपने भी कैप पहननी है. सर्दी हो रही है, जैकेट पहने और सॉक्स जरूर पहने और अम्मी अब्बू को तंग ना करें. राइट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. आपका बहुत शुक्रिया. आपका भी थैंक यू. ओके इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं मैं और बतूता अगले हफ्ते सैटरडे वाले दिन. उससे पहले अब चल के देखते हैं क्या. एक सेकंड नहीं, इकट्ठे बोलेंगे 1 2 3 4 ज़ीक एनिमल वर्ल्ड. वो चल के देखें. हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज. मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद.